देहरादून में जेईई लोक सेवा आयोग समेत कई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों को कल पुलिस ने जबरन उठा लिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवा। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। आल्दवानी के बुद्ध पार्क में भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई गई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्योंकि महिलाओं पे डंडे बरसाना, रात को उनको हटाना, क्या गुनाह था उनका? मांगे तो रख रहे थे। आर्टिकल 19 हमें देता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें यही सिखाया जाता है संविधान क्या है, लेकिन वही संविधान की एक बॉडी हमें दबाने की कोशिश करती है। और हम लोगों ने जब प्रदेश में भर्ती घोटाले चरम पर पहुंच गए तो युवाओं ने संगठित होकर एक संगठन खड़ा करा, उत्तराखंड युवा एकता मंच। आज जब प्रदेश सरकार सो चुकी थी तो 14 सितंबर को हमने महा आक्रोश रैली का आयोजन किया, सरकार तब भी नहीं जागी। इस बार पटवारी की परीक्षा जो हुई है इससे पहले की, वो भर्ती घोटाले में फंस गई है, भले वो AEJEE की हो या इससे पूर्व जितनी भी भर्तियां हो, उनमें साफ साफ दिखा है कि भर्ती घोटाला हुआ है। और जो 12 तारीख को ये भर्ती परीक्षा होने वाली है, हम चाहते हैं सरकार इसको निरस्त करे। परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हुई हैं पिछले कुछ दिनों, उसको लेकर जो यहाँ के युवा छात्र हैं उनमें एक रोष था, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और मैं ये ज्ञापन इसको आज ही आगे प्रेषित कर रही हूँ।